जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू। यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं। रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। La 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 la
तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से क्या किया हमने? सीपीयू। कौन सा सीपीयू? डबल डेकर। कौन सी स्टेंसिल से? प्रॉपर स्टेंसिल का इस्तेमाल किया? इधर फ्रेम में आओ, इधर इस साइड आओ, इस साइड सब आपको मिल गया। इधर आइए, इधर सामने है ना, वर्दी पहन के आओ। तो हमने कोई सी दूसरी स्टेंसिल का इस्तेमाल किया? प्रॉपर वाली। तो ये एक्टिविटी किस किसने करी? सबने? कोई भी बचा है क्या? नो सर। कोई भी बचा है क्या? सर कोई नहीं बचा। और उसके बाद क्या क्लास थी हमारी? क्या क्लास थी हमारी? कंपोनेंट टू की क्लास थी हमारी। कल कंपोनेंट वन की थी, कंपोनेंट टू की। किस किस के कंपोनेंट टू? सारे के सारे क्लियर है? चारों कंपोनेंट जो पूरे फुल कंपोनेंट किस किस के क्लियर है? सबके क्लियर है? पीसीबी में और पीसीबी में, पीसीबी के बाहर सबके रीडिंग पता है आपको? चेक करने का तरीका पता है आपको? सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है ये मालूम है आपको? जीआर क्या होता है ये मालूम है आपको? डायोड रेंज, डायोड मोड में कौन कौन सी रीडिंग आती है ये पता है आपको? सबको पता है? चलिए तो, और उसके बाद फिर शाम को क्या हुआ हमारा? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हुआ? यस सर। तो प्रैक्टिकल में जो हमारे दो का, जो आज कंपोनेंट टू की क्लास थी हमारी, वो कंप्लीट हुई हमारी? यस सर। सबने कंप्लीट करा? यस सर। सबने ट्रेसिंग करा? यस सर। अच्छा चलिए, और उसके बाद अभी लास्ट में अपन ने नाइट में क्या किया? पावर आईसी लगाए। पावर आईसी निकाल के मोबाइल से लगाया। ये प्रोसेस किस किस ने करी है? सबने सर। सबने करी है? और सबका डन हुआ? सबकी रीडिंग आई? सर सबकी रीडिंग आई। तो शुरुआत करूंगा मैं आपसे, तो थोड़ा बताइए मेरे को। जी मेरा नाम मुनी रहमान है। हाँ जी। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। हाँ जी। आज सुबह 8 बजे आए थे हमें जी। और आने के बाद सबसे पहले सीपीयू रिवॉल्व किया, उसके बाद ड्यूल डेकर रिवॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद देवसर की क्लास थी जी, जिसमें कंपोनेंट टू की क्लास थी आज, ठीक है। उसके बारे में पढ़ाया गया, कॉइल के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है। और शाम में आके जी प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ जी, उसके बाद आके प्रैक्टिकल हुआ। अच्छा प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल हुआ। उसके बाद प्रैक्टिकल में सारी चीजें क्लियर थी आपकी? हां जी क्लियर थी सर, सारी चीजें क्लियर थी। हां जी सर, बाद में क्लियर हो गई पूरा। तो कोई डाउट्स वगैरह तो बाकी नहीं? अभी डाउट बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। तो बताइए मेरे को कि लोग 8-8 दिन 10-10 दिन लगाते हैं कंपोनेंट को पढ़ाने में जी। तो आपको 2 दिन में डन हुए कि नहीं? जी हुआ सर। अच्छे तरीके से हुए कि नहीं? अच्छे तरीके से। हर तरीके से, हर चीज को समझा आपने? अभी समझा है सर। पूरी तरीके से समझा आपने? समझा है सर। तो आज आपने दिन भर में, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाए तो बहुत सारे काम किए आपने। डुअल डेकर यूनिवर्सल स्टेंसिल से बनाया आपने, है ना। सेकंड काम किया आपने, कंपोनेंट टू की क्लास थी, फिर कंपोनेंट टू का प्रैक्टिकल करा,
तो एशिया टेलीकॉम 12 घंटे पढ़ाई का बोलता तो वाकई में 12 घंटे पढ़ाई कराता कि नहीं कराता? 12 घंटे से ज्यादा हो गया। 12 घंटे ज्यादा हो गया। तो यहाँ की टीम ऐसी कोई थकी हुई टीम लगती है आपको? नहीं सर, सब परफेक्ट है, राजस्थान पहले ही आते हैं। मतलब ऐसे कोई थकी हुई टीम लगती हो, टीचर को जाने की जल्दी हो या आपको घर भेजने की जल्दी हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए आप? शुक्रिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। मेरा नाम आखिब खान है और बेंगलोर कर्नाटका से हूँ। हाँ जी। सुबह में 8 बजे हमारी क्लास शुरू हुई सर। जी। 7:50 को हम यहाँ आए थे। उससे पहले टीचर्स आए थे, उसके बाद हमें सुबह में आते ही सीपीयू का रिवॉल्व किया, सीपीयू ऐसी, और उसके बाद डुअल डेकर रिवॉल्व किया। ठीक है। उसके बाद देव सर की क्लास थी। हाँ जी। 4 से 5 घंटा हमारी क्लास थी कंपोनेंट्स के बारे में, क्लास 2 जी। ठीक है। और उसके बाद आपने उस कंपोनेंट का प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? हाँ किया, पूरा प्रैक्टिकल किया। पूरा प्रैक्टिकल किया, 4 से 5 घंटे, वो भी प्रैक्टिकल भी 4 से 5 घंटे किया। अच्छा। उसके बाद पावर ऐसी माउंट एंड अनमाउंट किए, बोर्ड में से निकाल के। सक्सेस मिला आपको? हाँ सक्सेस मिला सर। इसके पहले काम किया था ये? नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट। मेरा नाम अलीम खान है, मैं कर्नाटक बेंगलोर से हूँ। हाँ जी। सुबह 8 बजे क्लास हुई थी जी, स्टार्ट हुई, और उसके बाद सीपीयू रिकॉल किया, उसके बाद ड्यूल टेकर सीपीयू रिकॉल किया, उसके बाद सर की क्लास थी। हाँ जी। कंपोनेंट 2 क्लास, उसके बाद 5 घंटे की क्लास के बाद उसी का प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल में सब कुछ किया, कंपोनेंट्स कौन सा कंपोनेंट क्या वर्क करता पूरा किया, और उसके बाद अभी शाम में पावर एसी निकाल के माउंट एंड रिमाउंट किया। कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। हाँ जी। मैं बिहार समस्तीपुर का रहने वाला हूँ जी। सुबह में फैजान, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे थ्रू आउट फर्स्ट डे सेकेंड डे? बहुत बढ़िया था, जैसा सोचा था उससे भी बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया मिल रहा जी। हाँ, तो फिर आपने डुअल डेकर सीपीयू किया आज? जी, डुअल डेकर सीपीयू मैंने 8 बजे आके किया। हाँ। उसके बाद देव सर की सर क्लास थी कंपोनेंट की जी, पहला दिन भी कंपोनेंट की थी और सेकेंड डे भी कंपोनेंट की थी। ठीक है। तो पूरा कंपोनेंट मेरा क्लियर हो गया आज। अच्छा जी। उसके बाद कंपोनेंट के आने के बाद फिर मैंने उसी का प्रैक्टिकल किया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने उसके बाद उसी का प्रैक्टिकल करने के बाद मैंने सीपीयू पारा ऐसे रिवॉल्व किया। अच्छा। फर्स्ट टाइम जी। ठीक है। लास्ट में फर्स्ट टाइम मैंने एक बार में ही सीपीयू रिवॉल्व कर लिया। अच्छा। और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के कि मैंने टेलीकॉम ज्वाइन किया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो इधर दीजिए भाई, आप लोग चेंज हो जाइए, है ना, बाकी दूसरों को चल दीजिए। ठीक है, चलिए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। मैं निखिल गुजरात से हूँ। हाँ जी। आज सुबह आए, पहले ड्यूअल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया जी। उसके बाद में देव सर की क्लासेस थी। ठीक है। कंपोनेंट 2 की जी, उनमें कॉयलनेस वो सब पढ़ाया जी। 4 घंटे की क्लास थी। हाँ जी। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल हुआ। हाँ जी। बाद में एमडी सर के साथ हमने पावर आईसी चालू फोन से निकाला जी, उसको रिवॉल्व किया, वापस लगाया, प्रैक्टिकल सब हो गया। कल 2 कंपोनेंट पढ़ाए थे, आज 2 कंपोनेंट चारों के रिवाइज भी हो गए। आज रिवाइज भी हो गए, चारों रिवाइज भी किए हमने। हाँ। तो अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, रजिस्टर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, डायोड का काम क्या है? अच्छा, मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 10 बोर्ड की कॉइलें निकाल के एक पैकेट में डाल दूँ, है ना? हाँ। एक पैकेट में डाल दूँ। हाँ। और सारी बोलूँ कि यार आप सारे मोबाइल में रीअरेंज करो, तो ये तो अलग अलग वैल्यू की आती है। हाँ। अलग अलग वैल्यू की आती है। हाँ। तो आप उसको अरेंज करके लगा सकते हैं आराम से, ग्राफिक्स का बूस्ट ग्राफिक्स में लगा सकते हैं, लाइट का बूस्ट लाइट में लगा सकते हैं, पावर की सारी बक लगा सकते हैं। हाँ। ये नॉलेज है आपके पास? हाँ, एकदम सही से 2 दिन में सीखा। दो दिन में ही सीखा सर। तो नॉलेज कैसा मिल रहा है सर? का जो तरीका है, जो पढ़ाने का जो टेक्निक है, वो कैसी लगी आपको? और इंस्ट्रूमेंट चलाने की टेक्निक कैसी, उसका सिलेबस कैसा है? एकदम बढ़िया। सिलेबस में जान है कि नहीं है? जान है। जान है। हाँ। टीचर्स में जान है, टीम में जान है। हाँ। और खुद सर में, देव सर में तो बहुत एनर्जी है। हमें थका देते हैं वो। अच्छा, वो नहीं थका। थैंक यू।
तो चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मैं अल्पेश गुजरात से। हाँ जी अल्पेश, अल्पेश गुजरात से बड़ी जगह छोड़ के छोटे से जबलपुर में क्या देख के आए थे आप? सर गुजरात में इंस्टीट्यूट तो है। हाँ जी, लेकिन सर ऐसा वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती सर, खाली अच्छी अच्छी बिल्डिंगों से नहीं आते विद्यार्थी। हमारी बिल्डिंग तो छोटी सी बिल्डिंग है, बाहर से ऐसी लगती भी नहीं कि एशिया टेलीकॉम इतना बड़ा होगा, इतना लोग आउट भी नहीं है। यहाँ के टीचर तो अच्छी बिल्डिंग से कम नहीं है। अच्छा तो ये बताइए मेरे को कि आज आज दिन भर की क्लास आप, आप, आपका डे टू था क्लास का, तो डे टू में क्या नॉलेज मिला आपको? सर ड्यूल डेकर आज सुबह में आया 8 बजे, तो 8 बजे से ही हमने ड्यूल डेकर पे काम चालू किया जी। रिबोरिंग की अच्छी तरह से और यूनिवर्सल टेंसिल मेरिकल रिबोरिंग की जी। उसके बाद हम गए देवसर का क्लास था, तो कंपोनेंट टू का क्लास था। उसके अंदर सर देखिए सर्किट में बहुत ज़्यादा डायोड लगते हैं जी, उसकी नॉलेज अब तक इतनी नहीं थी, लेकिन आज सब क्लियर हो गया। उसके बाद कोयल के बारे में पढ़ाया जी, और वहाँ से वो क्लास ख़त्म कर गया मैं तो यहाँ पे जो कल के 2 कंपोनेंट और आज के 2, कुल 4 कंपोनेंट का हमने जहाँ से फिर से रिवाइज किया, अच्छे से समझे, सभी की वर्किंग निकाल के भी क्या वोल्टेज देते हैं, ऑन बोर्ड पे क्या वोल्टेज देते हैं, सब चेक किए। कैसा लगा आपने पूरा प्रैक्टिकल का समय मिला आपको? अरे सर पूरा समय मिला कि नहीं मिला? अरे सर पूरा समय मिला। अच्छा, और लास्ट में क्या किया आपने? सर लास्ट में एक बोर्ड से पावर निकाला है, पावर आईसी जी, और वो फिर से रिवॉल्व करके फिर से लगा दिया है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक्स सर। मैं रंजीत बिहार से। हाँ जी, सवेरे आए हैं सर 8 बजे और सीपीयू रिवॉल्व किए और डबल टेकर सीपीयू रिवॉल्व किए। कौन से स्टेंसिल से? कौन सी स्टेंसिल से? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से जी। अच्छा तो बना आपसे? जी एकदम एक बार में बना दिया सर। एक बार में बना दिए? दोबारा नहीं बनाना पड़ा। दोबारा नहीं बनाना पड़ा आपको? तो और फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर फिर को बुलाएंगे देवरतन सर जी का क्लास हुआ जी। क्लास में हम कॉइल और डायोड के बारे में बताया गया जी, और फिर उसका रिवाइज यहाँ 5 घंटा फिर करवाया गया, और शाम को जो है पावर ऐसे निकाल के फिर से रिवॉल्व करके फिर लगाए। अच्छा, कंपोनेंट को लेके रिवॉल्विंग को लेके कोई किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई किसी तरह का कोई शिकायतें नहीं हो सकता सर। आपसे जितना बार पूछते हैं बताते रहते हैं, थकते ही नहीं, तो फिर शिकायत का क्या सवाल है? जब नहीं बताइएगा तब नहीं शिकायत कोई करेगा। बराबर, तो टीचर्स मेहनत करते हैं, पूरा आउटपुट देते हैं अपने टीचर्स? हम लोग से ज़्यादा सर। अच्छा, हम लोग से ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आइए। हाँ जी बताइए। मैं संदीप यूपी से। हाँ जी संदीप बताइए। सर सुबह सुबह ड्यूल डेकर की क्लास थी की, वो हो गया, इजीली हो गया। उसके बाद देवसर का क्लास था, देवसर ने कंपोनेंट्स बताए। हाँ जी, वो सब समझ में आया अच्छे से। हाँ जी, फिर उसके बाद शाम को हुआ पावर आईसी निकाला गया, पावर आईसी निकाल के लगाई गई, वो भी लग गई। ठीक है, उसके बाद फिर जो है कंपोनेंट्स की पढ़ाई जी। हाँ, हमें एक बार चलिए। तो संदीप, ये मैं तुमसे पूछना चाहूँगा मैं कि ओवरऑल सेकंड डे की क्लास, मतलब कहीं पे भी ऐसा लगा कि आप स्लो मोशन में अच्छे से एग्जाम चल रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है और रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिल रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सर, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। दानिश जी सर, ऐसा टेलीकॉम में क्या अच्छा लगा आपको आज दूसरा दिन? सब कुछ अच्छा ही है सर। सब कुछ अच्छा है? यस सर, सब कुछ अच्छा ही है। अच्छा, तो आप फ्रेशर है इस लाइन में? हाँ सर, फ्रेशर ही हूँ, ऑलमोस्ट फ्रेशर। ऑलमोस्ट फ्रेशर है, तो उसके बाद आपने आज क्या किया सवेरे मॉर्निंग में? मैं 8 बजे आया। हाँ, मैंने ड्यूल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया जी, और उसके बाद सर देवसर के साथ क्लास स्टार्ट हुई जी, कंपोनेंट 2 की। हाँ, वो हुआ सर। उसके बाद कंपोनेंट 2 का प्रैक्टिकल किया। हाँ जी, उसके बाद सर शाम को पावर आईसी माउंट रिमाउंट किया। अच्छा, तो सक्सेस मिला सब में? यस सर। अभी कंपोनेंट में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे जो बचा है वो बताओ, जो बचा है वो। अरे जो बचे हैं क्या सर, वो सबको बुलाओ ना, जो बचे हैं। हाँ जी, मैं प्रदीप से हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, सुबह हम 8 बजे आए थे जी, तो हमारा सीपीयू ड्यूल डेकर सीपीयू क्लास हुआ था, बाद में
देव सर टू क्लास पाँच फाइव आवर्स, उसके बाद वही हमारा जो थ्योरी में जो जो सिखाए वो प्रैक्टिकल में यहाँ आने प्रैक्टिस करने के लिए आए। प्रैक्टिकल का टाइम पूरा मिलता है यहाँ पूरा सर पूरा। अच्छा, और लास्ट में क्या किया अभी लास्ट में क्या किया आपने? लास्ट में पावर आईसी को बोर्ड में निकालना और फिर उसको बैठना। अच्छा, माउंट एंड माउंट री माउंट एंड माउंट सक्सेस हुआ आपसे? हाँ सर। चलिए ठीक है, चले जाओ। तो ये मैं प्रवीण हूँ नेपाल से। हाँ जी। हाँ सर, हमारा क्लास सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। हाँ जी। हम यहाँ आने के बाद हमने सीपीयू रिवर किया यूनिवर्सल स्टडीज से। हाँ जी। पावर आई सी रिवर किया और फिर दिल सर का क्लास था जिसमें हमने क्वाइन और डाइट के बारे में पढ़ा जी। बहुत अच्छा अच्छा लगा, पहले पता नहीं था इतना, और फिर उसके बाद हमने उसका प्रैक्टिकल किया जी। और फिर हमने पावर आइस निकाल के बोर्ड में निकाल के रिवर्स करके डाल दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट आइए सर। बुला कौन है? मेरा नाम सचिन कुमार है, बिहार से। आज सुबह 8 बजे से क्लास चालू हुआ और सुबह सुबह हमने पहले पावर आईसी रिबॉल किए थे, उसके बाद डबल टेकर रिबॉल किए, सब सक्सेस हुआ। और उसके बाद फिर देव सर का क्लास हुआ और वो बहुत बढ़िया था। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल हुआ, वो पूरा क्लियर हुआ। फिर लास्ट टाइम पावर आईसी को निकाले बोर्ड से, फिर रिबॉल किए, फिर उसको फिक्स किए और वो भी सक्सेस हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई बड़ी बहन के आ जाओ फटाफट, जिसका बाकी है। चलिए सर, मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम कृष्णा कांड है। जी सर, आज सुबह को 7:30 बजे आए थे जी। 8 बजे क्लास स्टार्ट हुई जी। उसके बाद सबसे पहले हम सीपीयू रिकॉल किए। हाँ। सीपीयू रिकॉल करने के बाद डुअल टेकर रिकॉल किए। डुअल टेकर का रिवॉल्व करने के बाद हमारा देव सर के साथ क्लास था कंपोनेंट 2 का, वो भी बहुत अच्छे तरह से हुआ। तो जो चीज़ पढ़ाई किए सेम चीज रिविजन किए। उसके बाद हम लास्ट में पावर आईसी माउंट रिमाउंट किए। तो सारी चीज आपसे फाइनल होगी कि नहीं? हाँ सर, कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट सारे क्लियर होगी कि नहीं? पूरा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट।